तो भाई लोग कैसे हो, सभी को स्वागत है डार्क शूटर गेमिंग के और एक न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जो आपका डायनामिक डुओ में आपका जो लेवल अप है उसको आप कैसे बहुत ही जल्द इंक्रीज कर सकते हो, जो आपका हर्ट है आप लेवल 5 तक कैसे पहुंच सकते हो और उसके जो सारे रिवार्ड्स है लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक सारे रिवार्ड्स कैसे जल्दी से जल्दी इक्विप कर सकते हो। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। और वीडियो चालू करने से पहले बता दूं, जो भाई लोग चैनल पर न्यू आते हो ऐसे ही फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो और साथ ही साथ और भी एक्साइटिंग चीज़ें सबसे पहले देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही जो घंटे वाला आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि इन फ्यूचर जो भी हम यार वीडियोज़ डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन वीडियोस का मजा यार सबसे पहले उठा पाओ। तो यार चलो करते हैं हमारे आज के वीडियो का टॉपिक को हम स्टार्ट। तो यार जैसा आपको पता ही है डायनामिक डुओ इवेंट जो कि हमने फुल वीडियो आज सुबह ही अपलोड कर दिया उस इवेंट से रिलेटेड क्या कुछ करना है उस इवेंट को, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हो। टोटली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्या कुछ इवेंट में आपको करना पड़ेगा। अभी के वीडियो में बात करेंगे जो डायनामिक डुओ इवेंट में आपने तो अपने दोस्त को ऐड कर लिया, आप बंदा या बंदी किसी को आप यहां पर ऐड कर सकते हो। और मैंने ये भी आपको बता दिया है कि आप डायनामिक डुओ को आप यहां पर पब्लिक या प्राइवेट यहां पर आप रख सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रखना पसंद करते हो। तो जो अगर आप चाहते हो कि किसी को पता ना चले तो अपने दोस्त को भी बोल देना कि वो भी यार प्राइवेट रखे, वरना आपने तो प्राइवेट रख लिया आपके दोस्त ने पब्लिक रख लिया फिर सारा तो पब्लिक पब्लिक हो ही गया, फिर प्राइवेट का क्या है। तो चलो अभी बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो बडीज ड्यूरेशन एक दिन से हम लोग बडी बने हैं क्योंकि आज ही मैंने यहाँ पर दोस्त को ऐड किया, मैंने कल ऐड कर दिया था लेकिन साले ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आज एक्सेप्ट किया। चलो कोई नहीं, उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। यहाँ पर जो मैं आज बात करूंगा वो है लेवल 1 का। लेवल 1 आप यहाँ पर जो कैसे आप इसको लेवल 5 तक ले जा सकते हो। तो लेवल 1 अभी है 100 आपको चाहिए, ये हर्ट चाहिए आपको, ठीक है 100 हर्ट चाहिए। ये आपको मिलेगा कैसे, आपके दोस्त के साथ यहाँ पर आपको जो कि है गेम खेलना पड़ेगा। तो आपको तो पता ही है बडीज बनाना सिर्फ मतलब बोलने से नहीं होगा, आपको उसके साथ गेम भी खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज मैं जो बात बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर आप इसको मैक्स कर सकते हो, मतलब जल्दी से जल्दी लेवल 5 तक पहुँच सकते हो। आपको पता ही है लेवल 2 पे आपको यहाँ पर 3 रिवार्ड्स मिलेगा। यहाँ पर बहुत बंदे का क्वेश्चन है ये हॉर्न लाउड स्पीकर ये क्या आपका काम आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज लाउड स्पीकर इन वर्ल्ड चैट टू पुश योर मैसेज टू द टॉप एंश्योरिंग दैट एवरीवन हियर्स यू। तो अगर आपको पता होगा, अगर आप यहाँ पर कोई टीम, सपोज मैंने यहाँ पर एक टीम बना लिया और इसको मैं अभी वर्ल्ड पर मैं इसको अभी सेंट ओके वर्ल्ड पर मैं दिखा देता हूँ आपको। डार्क रोहित यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मेरे यहाँ पर पूरा बंदे घुस गया, एक बंदे यहाँ पर घुस गया मेरे को हाई फाइव बोल रहा है फिर चला गया। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आप टोटली ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 खूब मतलब बहुत जोर 7-8 रख सकते हो तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, जैसे ऊपर हो जाएगा तब जाकर यहाँ पर आपका ये जो हॉर्न वाला सिस्टम है देख सकते हो रिमेनिंग लाउड स्पीकर, ये स्पीकर आपका तब काम आएगा कि आपका जो मतलब आप जिसको स्क्वाड को अगर आप ये वाला सीन अगर आप सबसे ऊपर रखना चाहते हो तो इसके लिए आपका ये लाउड स्पीकर आपका काम पे आएगा। तो ये आपको एक मिलेगा इधर, ठीक है लेवल 2 पर। उसके साथ साथ लेवल 3 पे आपको नेम चेंज कार्ड, साथ ही साथ डायमंड रॉयल वाउचर एंड यार यहाँ पर आपको ब्लू हर्ट देखने के लिए मिल जाएगा जो कि है अवतार। और यहाँ पर आपको रूम कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, 3 लाउड स्पीकर फिर से और 5 डायमंड रॉयल वाउचर, मतलब टोटल यहाँ पर 5, 5, 10 आपका वाउचर हो गया। और यहाँ पर आपको ये बंडल देखने के लिए मिल जाएगा जो कि है डायनामिक डुओ, बहुत ही तगड़ा लग रहा है मेरे को ये बंडल। आप लोग बताना कॉमेंट करके ये बंडल आप लोगों को कैसा लग रहा है, एकदम प्रिंसेस जैसा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर फिर से 5 मतलब टोटल आपको 15 डायमंड रॉयल वाउचर, उसके अलावा एक कस्टम रूम कार्ड और एक नेम चेंज कार्ड, इतना सारा कुछ यार मिलने वाला है। तो यार इसको मेक श्योर सभी लोग कंप्लीट करना। तो यहाँ पर आप इसको मतलब फास्ट कैसे कर सकते हो, फास्ट करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा आपको बता दूँ, आपको अपने दोस्त के साथ क्लैश स्क्वाड कालाहारी खेलना पड़ेगा। क्लैश स्क्वाड कालाहारी आपको यहाँ पर दोस्त के साथ खेलना पड़ेगा तब ये फास्ट बहुत ही जल्द, अगर आप एक क्लैश स्क्वाड कालाहारी यहाँ पर बुआ कर लेते हो तो आपको 8 यहाँ पर हर्ट दे देगा। आप लोग को पता होगा जो डॉगटेक कार्ड अकाउंट है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो अगर आप लोग खेले हो गिल्ड के कस्टम के लिए यहाँ पर जो डॉगटेक काउंट है ये आपको कुछ सेम इसी हद तक देता है, ठीक है जैसे 10 मिलता है एक गेम खेलने पर तो यहाँ पर आपको 8 दे रहा है। तो आपको अपने दोस्त के साथ यहाँ पर क्लैश स्क्वाड
कालाहारी खेलना है ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। आप रैंक भी खेल सकते हो लेकिन रैंक में आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग जाएगा। यहाँ पर अभी भी बंदे घुस रहे हैं, क्या ही बात है, लेकिन मैं अभी बैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैश स्क्वाड अगर कालाहारी खेलते हो तो उसमें बुया ला देते हो तो आपको यहाँ पर 8 हर्ट मिल जाता है, 8 हर्ट। और अगर आप रैंक खेलते हो, बुया करते हो, तो भी आपको 8 हर्ट मिल जाता है। तो रैंक में आपका लगभग 17 मिनट चला जाता है। उसी जगह क्लैश स्क्वाड कालाहारी प्लेन क्लैश स्क्वाड में आपका बहुत जोर 7 मिनट लगता है। तो मतलब आप 17 मिनट में 2 मैच ऐसे खेल सकते हो अगर आप ज़्यादा से जल्दी जल्दी बुया लाओगे तो। कभी कभी 5 मिनट में भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप फटाक से जाकर जो लेवल है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो और आप जो रिवार्ड्स है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, हमने यहाँ पर एक क्लैश स्क्वाड कालाहारी जो कि प्लेन क्लैश स्क्वाड है वो हमने खेला और यहाँ पर इजीली बुया हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 येलो डॉग मतलब जो येलो क्रोनो है टोकन वो मिल चुका है। फिर यहाँ पर हमने बैक किया लॉबी पर, यहाँ पर तो हमें सोने ही किया तो हमने सोचा कि यार क्लैश स्क्वाड कालाहारी अगर खेलते हैं तो मिलता है कि नहीं। तो फिर हमने चेक किया जाकर अपने मेन जो सिस्टम है जाकर, आप यहाँ पर डायनामिक डुओ में जाकर मैंने यहाँ पर चेक किया कि क्या सीन हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने जब चेक किया, आप मतलब हैरान हो जाओगे, आप खुद ही देख लो। डायनामिक डुओ पर जैसे मैं आया यहाँ पर मुझे 8 हर्ट मिल चुका है। तो यहाँ पर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और उसको भी बहुत ही अच्छा लगा, विशाल को, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर मेहनत करके एक गेम खेला और उसमें हमको 8 हर्ट मिल गया। तो इसी तरीके से आप इजीली, फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार बम लगा कर मरते हैं फिर देखते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो 3 राउंड पर मैंने बम फेंक कर मर दिया। सारे बंदे को भी बोला कि यार तुम लोग भी मर जाओ, शायद इजी तरीके से मतलब जल्दी जल्दी हमें मिल जाए। तो हमने 4 बंदे को बुलाया और यहाँ पर मतलब ये वाला खेल ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद हमने फिर से चेक किया कि चलो देखते हैं, इस बार तो हमने कोई भी किल नहीं किया, कोई भी डैमेज नहीं दिया और चारों के चारों मैच मर गए। थोड़ा जल्दी हुआ तो किया, अभी भी मुझे जो कि है मिलेगा डायनामिक डुओ का, क्या बोलते हैं उसको, हर्ट, हमें क्या अभी भी हर्ट मिलेगा, 8 हर्ट हमें क्या अभी भी मिलेगा। तो चलो वो भी एक बार हम देख लेते हैं, आप लोगों को भी दिखा लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चंस आ रहा होगा कि ऐसे अगर खेलेंगे तो क्या हमें जल्दी जल्दी और भी जल्दी हो सकता है। तो सिंपली यहाँ पर मैं गया वहाँ पर सेक्शन की ओर, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला, मतलब ऐसा नहीं चलेगा। यार जैसा कि आपने देख ही लिया, हमने पहले जो कि है बुया लाया तो हमें 8 मिल चुका था, मेरा पहले 0 था तो पहले मुझे 8 मिल चुका हर्ट। और मैं फिर सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, जैसे हम कस्टम लेते हैं क्लैश स्क्वाड में जाकर मर जाते हैं खुद ही बम लगाकर, हमने वैसा भी ट्राई किया। लेकिन अगर आप वैसे करने की सोच रहे हो तो मैंने ऑलरेडी वो कर दिया है और उसके बदले कुछ भी नहीं मिला। सो मेक श्योर आपको बुया लाना पड़ेगा क्लैश स्क्वाड में अगर आप खेल रहे हो, तभी जाकर आपको 8 हर्ट मिल जाएगा इजीली। और बम से मरने की कोशिश मत करना क्योंकि उसमें आपका लॉल हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो गया हमारा। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगा वैसे, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आपको बुया मस्ट लाना है और कुछ किल भी करना पड़ेगा अपने दोस्त के साथ। तो जाओ आराम से क्लैश स्क्वाड कालाहारी खेलो और अपने अच्छे अच्छे बंदे को बुला लो, मतलब सपोज़ आपने और आप और आपका जो डायनामिक डू है उसको बुला लो और कोई बंदा और उसका जो डायनामिक डू है, दोनों मतलब टोटल 4 बंदे आकर यहाँ पर इजीली खेल सकते हो और जाकर अपना कंप्लीट कर सकते हो जो भी मिशन है। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही सारा कुछ आपको बताना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर न्यू आते हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साथ ही जो घंटे वाला आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियोज़ डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन वीडियोज़ का मज़ा सबसे पहले उठा पाओ। तो चलो करते हैं फिलहाल के वीडियो को यहीं पर एंड, हम मिलेंगे आपके साथ और एक न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोग को टाटा, बाय बाय एंड यार लव यू।